जिला पुलिस मुखी की सख्त हिदायतों के अनुसार जिला मोगा के अंदर अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए बड़ी स्तर पर एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते आज थाना निहाल सिंह वाला की पुलिस ने शराब के तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक मकान से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की हैं और साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने उस मकान से अलग अलग प्रकार की देसी शराब की 149 पेटी बरामद की है। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और एक व्यक्ति मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। थाने निहाल सिंह वाले पिंड पिंड है धूपगुट, उतों का एक शराब का समगलर आत्मा सिंह, वो एक डॉक्टरी का काम करता जगराज सिंह पुत्र बलदेव सिंह, वो घर बारहवीं हवेली साढ़े को इनफॉर्मेशन आई, मुखबर ने दसिया ASI फैली सिंह जाके रेड किया, एक चिट्टे रंग की स्कॉर्पियो गड्डी वो भरी हुई सी शराब की, तो कुछ उत्थे अंदर जोड़े कमरे से उन्होंने टोटल 149 पेटियां वक् वक् मार्के की जी शराब वो कवर की है। जोड़ा घर वाला डॉक्टर जगराज सिंह राजू धूपगुट का उन्होंने मौके पर अरेस्ट कर कार्रवाई कर रही कार्रवाई के खिलाफ दोवे मुकदमा नंबर 17 अंडर सैक्शन एक्साइज एक्ट थाना निहाल सिंह का अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਟੋਟਲ 149 ਪੇਟੀਆਂ, 149 ਬਕਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੇ। ਮੋਗਾ ਸੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲੀਏ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।